जहां तक करप्शन का सवाल है, मैंने दो साल पहले भी आकर के कहा था कि दिस स्टेट इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स एंड ऑल अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी कालेश्वरम के बारे में बातचीत की थी। कालेश्वरम हैज बिकम एन एटीएम फॉर केसीआर। हमारे हिंदी में कहते हैं कि यह दूध देने वाली गाय हो गई है। द ओरिजिनल प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 36,000 crores. Now the project is 1,20,000 crores. And the water has reached only his farmhouse and to none others. This is the situation. If I talk about Palamuru Rangareddy, inauguration ho gaya, paise lag gaye, ek drop water nahi pahuncha hai. This is the सिचुएशन। मिशन भाग्यरथी, पैसा लग चुका है, एक ड्रॉप वाटर नहीं पहुंचा है। दिस इज द स्टेट ऑफ करप्शन, ऑफ हाइट ऑफ करप्शन ऑफ केसीआर गवर्नमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, बट दिस इज द मोस्ट करप्ट स्टेट एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर हु इज वर्किंग। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। एज फार एज डायनेस्टिक रूल इज कंसर्न, बेटा बेटी भांजा, अभी पोता तैयार नहीं है, लेकिन हर एक तरीके से इट्स ए फैमिली रूल, इट्स ए डायनेस्टिक रूल एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र पर एक प्रश्न है और हम यह लड़ाई जनता को नीचे तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक हमारी लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था केसीआर साहब का, जिस तरीके से उन्होंने संजय बंडी को अरेस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि एंड दिस इज धर्म युद्धम। हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। वी विल टेक ऑल लीगल रिकोर्स एंड वी विल टेक ऑल डेमोक्रेटिक थिंग्स, डेमोक्रेटिक मेथड्स। हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी को कितना भी रोको, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारे संजय बंडी को अरेस्ट किया है तो हमारा डेली धरना भी चलेगा, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज मैंने शुरू किया है, कल कोई और आएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक मैंने आपके साथ कहा है कि राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, ये नेशनल पार्टी के तरीके के लिए केसीआर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है और प्रादेशिक जिम्मेवारी भी है जिसको हम निभा रहे हैं। मैंने तो कोरोना के सारे नॉर्म्स फॉलो किए एंड दैट इज व्हाई योर पुलिस कमिश्नर डिड नॉट हैव एनी आंसर। ही थॉट that I will take law and order in my own hands. We know how to fight democratically and how to see that we do not overstep the laws, but at the same time hum prajatantrik tarike se ladte hain. Lekin aapne corona kaha to main hum aisa ye kahunga ki KCR corona to bahana hai, sahi mein to prajalu ko dabana hai। आप दबाने पर लगे हो, ये तेलंगाना की प्रजलू को आप दबा नहीं सकते, ये बहाना है कोरोना का। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको एक छोटा सा सिर्फ आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए थोड़ा सा मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। आप जरा इसको भी देख लीजिए कि कोरोना की दुहाई देने वाले और हम ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, बट ये लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से अंतिम निर्णायक मोड़ तक, डिसाइसिव एंड तक लड़ी जाएगी और वी विल एक्सपोज केसीआर, वी विल एक्सपोज हिज करप्ट प्रैक्टिसेस, वी विल एक्सपोज, और आने वाले समय में दुबाके जैसे धमाके भी होंगे और हुजूराबाद जैसे हुजूर को फटका भी लगेगा।
जीएचएमसी आपके सामने है, एक पर एक हमको आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी विथ ए मिशन एंड वी विल गो अहेड विथ अवर मिशन, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। मैंने मित्रों अपनी बात यहीं समाप्त की है। मैं वहां जनसभा में नॉर्म्स को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वहां भाषण नहीं, विच आई प्रॉमिस्ड टू मिस्टर द जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर कार्तिके, लेकिन जॉइंट कमिश्नर, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप सबके माध्यम से तेलंगाना की जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप इस लड़ाई में, इम्प्लॉयज की लड़ाई में, टीचर्स की लड़ाई में, जनता की लड़ाई में आप आशीर्वाद दीजिए। और ये जो ऑटोक्रेटिक जीओआई 317 निकला है, इसको वापस लेने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिस विल कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। टुमारो somebody else is going to come, day after tomorrow somebody else is going to come। हम ये धरना चालू रखेंगे और हम इस बात को लड़ाई लड़ते रहेंगे। संजय बंडी को अरेस्ट करना अनडेमोक्रेटिक है, किसी नॉर्म्स के तहत नहीं आता है। जिस तरीके से किया गया वह प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चोट है और उसकी भी लड़ाई हम लीगली ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर के सब जगह लड़ेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अदर प्रोग्राम्स भी हैं, उसके साथ हम उसको एसिमिलेट करेंगे। सर, एक आरोप है कांग्रेस सर, आपके अधिकार है सेंट्रल में, क्यों विचार नहीं कर रहे इसके? भला ये दिखता है दोनों के बीच में दोस्ती है, गली में तो लड़ाई तो सेंट्रल में दोस्ती होता है, आरोप कर रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस का ये काम है न खुद काम करना न किसी को करने देना और दिशा को भ्रमित करना। हम दिशा जानते हैं, डायरेक्शन जानते हैं, केसीआर से लड़ेगी तो बीजेपी ही लड़ेगी और सफल होगी। किसके बारे में? हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोकसभा स्पीकर विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। दिल्ली बीजेपी, यू सी दैट इज हिज स्ट्रैटेजी, बट आवर लीडर्स आर नॉट, दे आर वेरी मेच्योर लीडर्स एंड दैट इज वाई यू कैन सी दैट डेली न्यू very people who are ground who have got strong base they are joining BJP and this is being done by the mature leaders of BJP only, and that is why the BJP is becoming stronger day by day. About KCR? See, today I would like to focus on KCR. When I go to Delhi, I'll talk to Kejriwal about KCR.